पेपर कल है ना तुम्हारा, टेस्ट है, पेपर है। नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय बोले, जय शंकर। तो भी अभी हम निकले वाराणसी के लिए, और वाराणसी यहाँ से भाई 55 किलोमीटर है, मतलब पहुंच जाएंगे आज तो, बिल्कुल स्लो मोशन में जाएंगे। और पांचवा बंदा भी आज आने वाला भाई, जो मैं ज्वाइन करेगा वाराणसी में। तो जौनपुर में कल आ चुके थे भाई, और ये वाला चीज जो होता ना कि आई लव जौनपुर, ये दिखा अब। और जब निकल रहे हैं वाराणसी के लिए भाई, सुबह सुबह जब दिक्कत आ जाए ना साइकिल में, तब सबसे बड़ी मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। अभी डॉक्टर साहब की जो साइकिल है, उसका पिछले वाला टायर में पंचर हो गया भाई, इसको पता नहीं था। मैं शुक्र है कि मैं पीछे चल रहा था, मैंने बताया भाई हवा वगैरह कम हो रही, भाई रुक गए इतना तो सारी हवा निकल गई। और यहाँ पर आ चुके भाई बहुत सारी भीड़, भीड़ में भाई अभी दो बंदे, तीसरे बंदे भी आ चुका, और ये अभी भाई हमारा पंचर लग जाएगा। तो भाई ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो बोर्ड लेके आ रखे थे, तो पेपर कल है ना तुम्हारा, टेस्ट है, पेपर है। तो ये कह रहे कि अपने चैनल का नाम भाई बोर्ड पे लिख देते हैं यार, एक बार छोटा लिख, खींच लिख दो कक्को भी जेंगे लिखा, इस पे ऐसे पढ़ जा रहा है, थोड़ा वैसे लिखा बाकी। तो भाई दोनों पे लिख दिया है, और ये दोनों भाई हमें जाके देख लेंगे उन पे, बस पेन नहीं चला था तो ऐसे ही लिख दिया, जैसे लिखा गया था लिखा। ये देख लो कौन सा किसका बोर्ड है, पढ़ लिया। तो भाई अभी टप्पू में बैठने जा रहे, क्योंकि यार भाई बोलता है कि यार एक बार बैठो आराम से और वीडियो बना दो यार, थोड़ा सा आगे पर जाके आ जाए। तो नहीं ले लिया भाई भी लिट्टी, लिट्टी है ना, लिट्टी चोखा। अभी भाई अगर खा लेते हैं, क्योंकि हमने खाया था उस दिन चून वाला था सिर्फ एक। तो भाई इसका हैंडल ही समझ में ना आता है, क्या भाई इसके अंदर ये सत्तू, मतलब सत्तू। अच्छा, चने का वो भर रखी है अब की बार भाई में। तो भाई ये अपना सुबह का नाश्ता, दो समोसे है, छोले है, वाला नाश्ता है बढ़िया। ये ना खाया अच्छा। है ब्रेड और छोले, मैंने लिया भाई छोले समोसे। देखो पहले मना कर रहा था, लिट्टी चोखा खाया इसने, अब कह रहा है कि अब मैं खाने लगा तो कह रहा ना ना यही खाना है भाई। ये बढ़िया, इसका स्वाद है। ओ भाई देख लो, इसके लिए रुके थे हम 10 मिनट के लिए, पर वो यार छोटा सा ही दिखा पाया मैं, इतना कैमरा चालू किया ना इतना उड़ गया। अरे और ये है भाई बनारस का एयरपोर्ट, ये जो दीवार देख रहे हो ना साइड में है भाई, सभी रुके हुए थे। अभी ये नहीं पता कि किसके फोन कैमरे में आया कि नहीं आया, और डॉक्टर साहब का रिकॉर्डिंग का बटन ही ऑन नहीं हुआ। फिर तूने पहले ले लिया था भाई, तूने पहले ले लिया था शॉट इससे पहले वाले में, और हमने अब लिया है। अभी रेलवे क्रॉसिंग है तो साइकिल वाले तो निकल जाएंगे भाई, अपन तो निकल जाएंगे क्योंकि अभी रेल आने वाली है ना, तो देखो बंद कर रहे हैं भाई ये थोड़ा जल्दी। चल भाई चल 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 मेरे भाई चल। चलो साइकिल का कुछ तो फायदा हो गया रे। अभी तो बना हुआ वाराणसी जाना है गुरुद्वारे में, गुरुद्वारे में हाईवे वाला रोड कौन सा है, हाईवे में आपको डायरेक्ट हाईवे ठीक है, मतलब अंदर अंदर पास भाई। ये है यहाँ की मार्केट, जो सस्ता में हाल दिल्ली में मिलता है ना, जैसे जैकेट वगैरह सर्दियों के लिए, वैसी सेल लगी हुई है। खाट वगैरह पे डाल रखा है, पजामे जैकेट, और जैकेट भी एक से एक बढ़ के एक भाई, कैसे लूट मार रखी है रे। और यहाँ से विश्वनाथ टेंपल सीधा ही है कैंट रेलवे स्टेशन। बोले देख मैं भी आ गया तेरे दर पे भाई, जाम बड़ा खतरनाक हो रखा है। और ऊपर देखो दो दो, एक ट्रेन आ रही है एक जा रही है, तीन है भाई, तीन ट्रेन है भाई। ये बिल्डिंग देखो इतनी खतरनाक बनी हुई है, इसका जो डिज़ाइन है माई टेबल ओ बारबा। और भाई आज यहाँ पे ना मुख्यमंत्री आए हुए थे, तो इसलिए थोड़ा ट्रैफिक मिल रहा है हमें रोड पे, बहुत देर हो गई भाई, मैं 5 किलोमीटर कवर नहीं हो रहा अभी तक, क्योंकि जाम लग रहा है, या फिर देखो वो फिर लग गया जाम।
तो भाई यहाँ से सिर्फ 500 मीटर बचा हुआ है और बस पहुँच जाएंगे यार। अभी दिन बचा हुआ, धूप वगैरह बढ़िया से निकली हुई है। आज हम लेट जा, अपनी गलती से हुए भाई, हम बिल्कुल स्लो मोशन चल रहे थे आज। तो भाई यहाँ से ना गुरुद्वारा दिखने लग गया है तकरीबन 100 मीटर पे। और भाई देख कितनी खतरनाक जगह है ये, बस सिंगल लेन है लेकिन मज़ा है क्योंकि दोनों तरफ में दुकानें वगैरह है, एक तरफ में ख़त्म है तो दूसरी तरफ चालू है। और देखो सामने मंदिर और गुरुद्वारा दिख रहा है कि नहीं, राइट साइड में। भाई देखो ये अंदर से गुरुद्वारा है भाई, बड़ा मतलब बड़ा है, उस साइड भी है गुरुद्वारे का और ये सेंटर में है जहाँ पर मत्था वगैरह टेकते हैं, इस साइड में है और इस साइड में अपन रुके ऊपर की साइड में, और आगे भी है, मतलब बड़ा गुरुद्वारा है काफ़ी सिटी का। तो अभी आए भाई गुरुद्वारे से बाहर निकल कर, कुछ सामान से देंगे यार, जैसे कपड़े कपड़े धोने के साबुन ब्रश वगैरह, क्योंकि कपड़े मैले हो गए ना, मैं इनको धो लेंगे भाई। क्या गजब का मतलब नज़ारा है यार, अभी तो यहाँ पे किलर एकदम उधर से, तो हमारे आगे जा रहे हैं अभी। भाई अभी आए हैं बाहर निकल के ना कुछ खाने के लिए, और खाने में सबसे पहले लिए भाई, फेवरेट है हमारी, लेकिन वही है कि हर जगह पे अलग अलग टेस्ट मिलता है। और मैंने एक वेज रोल बनवाया भाई चाउमीन के लिए, क्योंकि नहीं मिला भाई, मैंने दिल्ली में खाया था, तो आप यहाँ मिले गए तो एक बार खाएंगे, तो भी यही खाऊंगा। ठीक है ठीक है।